अमेरिका में कौन सेलिब्रिटी किसे वोट कर रहा है ये अब किसी से भी छुपा नहीं रहा, लेकिन अमेरिका में चुनाव की फंडिंग को लेकर एक खबर है जिसे लेकर ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। Great. America is going to reach heights that it has never seen before. The future is going to be amazing. डोनाल्ड ट्रंप के लिए समर्थन जुटाने के लिए एलन मस्क ने इस बार 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की खातिर एलन मस्क ने इस बार नोटों की बारिश कर दी। And now... Chief, my husband, President Donald J. Trump. अमेरिका में चुनाव की फंडिंग के बहुत सख्त कायदे हैं और उन्हें पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए फेडरल इलेक्शन कमीशन है। अमेरिका में तीन तरह से राजनीतिक दलों और नेताओं को फंडिंग की जाती है। एक व्यक्ति प्रचार के लिए उम्मीदवार को $3,300 तक ही फंड कर सकता है, यानी पौने 3 लाख रुपए। इसके बाद होती है पीएसी यानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो एक उम्मीदवार को $5,000 तक की फंडिंग कर सकती है, यानी 4,20,000 रुपए। 2010 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से बनाई गई सुपर पीएसी, जिसमें फंडिंग की सीमा हटा दी गई, यानी असीमित कर दी गई। बस शर्त यह है कि वो फंडिंग उम्मीदवार से जुड़ी स्वतंत्र संस्थाओं को दी जाएगी, ना कि सीधे प्रचार के लिए। अमेरिका का चुनाव इस बार कई अहम मुद्दों पर लड़ा गया है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा फिर से बुलंद रहा, वहीं कमला हैरिस ने मध्यम वर्ग के साथ महिला वोटर्स पर बाजी लगाई है। एंड द मोमेंटम इज ऑन आवर साइड। आवर कैंपेन हैज टैप्ड इनटू द एंबिशंस, द एस्पिरेशंस एंड द ड्रीम्स ऑफ द अमेरिकन पीपल। And we know it is time for a new generation of leadership in America. कमला हैरिस का समर्थन करने वालों में भी कई हाई प्रोफाइल चेहरे हैं। सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने कमला हैरिस को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उनके लिए धुआंधार प्रचार भी किया। जेनिफर लोपेज की जड़ें दक्षिण अमेरिका से जुड़ी हैं। अमेरिका में इस बार 3.5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। I am a mother, I am a sister, I am an actor and an entertainer, and I like Hollywood endings. I like when the good guy, or in this case, the good girl wins. And with an understanding of our past and a faith in our future, I will be casting my ballot for Kamala Harris for President of the United States proudly. जेनिफर लोपेज के अलावा मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस मैडोना ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। सिंगर बियॉन्सी नॉल्स भी कमला हैरिस के लिए कैंपेन कर चुकी हैं। टेक्सास के ह्यूस्टन में जिस रैली में बियॉन्सी नॉल्स पहुंची, वहां 30,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कमला हैरिस ने अपने प्रचार में गर्भपात जैसे मुद्दों पर वोट मांगे हैं, यानी कमला हैरिस के प्रचार में महिलाओं का मुद्दा हावी रहा है। यही वजह है कि हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाओं ने उनके साथ आकर डेमोक्रेट्स को वोट देने की अपील की। I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. A mother who cares
deeply about the world my children and all of our children live in. A world where we have the freedom to control our bodies. A world where we're not divided. Our past, our present, our future merge to meet us here. For all the men and women in this room and watching around the country, we need you. एक्ट्रेस रीद विदरस्पून ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। सिंगर टेलर स्विफ्ट ने भी ऐलान किया कि वो कमला हैरिस के साथ हैं। दुनिया भर में अपने गानों से धूम मचाने वाली पॉप स्टार रिहाना भी कमला हैरिस के साथ हैं। इसके अलावा फिल्म एवेंजर्स के आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। केटी पेरी से लेकर लेडी गागा एक से एक स्टार कमला हैरिस के चुनाव प्रचार का हिस्सा बने हैं। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन बड़े बड़े चेहरे हैं, इस बार किस किस ने ट्रंप को अपनी पसंद बताया। हॉलीवुड एक्टर मेल गिब्सन ने ट्रंप का समर्थन किया है। सिंगर कान्ये वेस्ट भी ट्रंप के समर्थक हैं। WWE के मशहूर रेसलर हल्क हॉगन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। ट्रंप के लिए प्रचार करने पहुंचे रेसलर हल्क हॉगन की मेडिसन स्क्वायर में एंट्री देखिए। ये उनका रेसलिंग रिंग में उतरने वाला अंदाज है जो अमेरिका के लोगों ने दशकों तक देखा है। You know something, Trump maniacs? I don't see no stinking Nazis in here. I don't see no stinking domestic terrorists in here. The only thing I see in here are a bunch of hard-working men and women that are real Americans, brother. You know what I hear my president and our president, Donald Trump, speak? He sounds for real, brother. He sounds like he has a heart of gold that's all for the USA. ऐसा नहीं कि ट्रंप के चाहने वालों में सिर्फ पुरुष सेलिब्रिटीज हैं। ट्रंप के वोटर्स में महिलाओं की कमी नहीं रही है। For my life, I want to be able to buy a house and I want to be able to provide for my family. But with Kamala Harris, if we continue with her, that's not going to happen. So that's why it's so important for young people to show up and vote for Trump this year, because I want to have a safe future. I want to have an affordable future and I want to do my part to help make America great again. So that's what I'm hoping. इसमें कोई शक नहीं कि 5 नवंबर का मतदान अमेरिका को बदलने जा रहा है। ट्रंप की वापसी हो या फिर कमला हैरिस की जीत, ये दोनों नतीजे अमेरिका में एक नए ट्रेंड की शुरुआत करेंगे।